इतनी ऊंची पतंग उड़ रही है, देखो आप देख सकते हो कितनी ऊपर गहराई में उड़ रही है वो पतंग। और आज आप देख भी सकते हो हम कैसे पतंग उड़ा रहे हैं, और आप सीख भी सकते हो पतंग उड़ाना इससे। तो उड़ाना तो सिखा, तू उड़ाना तो सिखा, उड़ाना उड़ाना आज सीख सकते हैं, सिखाएंगे ये। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस आज के ब्लॉग में मेरे साथ है छोटा पतंगबाज, मतलब कि भाई ये पतंग उड़ाने में माहिर है लड़का, मतलब बहुत शौक है। कितना शौक है तुझे? तो आज हम आए थे छत पे, तो छत पे हमें मिला यश भाई। तो यश भाई पतंग उड़ा रहे थे, मैंने कहा यार थोड़ा इनसे सीखते हैं पतंग कैसे उड़ाते हैं, तो क्योंकि मैंने पतंग उड़ाई दी थी और यश को पूरी याद है यश। देखा तो कुछ बोलना चाहेगा जैसे तूने अभी बताया इंट्रो में? सो क्या रहे? ऐसे की आज मैं पतंग उड़ाना सिखाऊंगा आपको। अच्छा तो कैसे सिखाएगा बता? ऊपर सिखाऊंगा, ऊपर सिखाएगा, जा ऊपर जा पतंग के पास। आज हम छत पर, ईशांत को तो आप जानते ही हो, वीर को भी जानते हो, पर आज मिले हो आप यश से। तो यश पहली बार मेरे साथ ब्लॉक में आ रहा है। यस तू ये ब्लॉग तो देखते ही, तू मेरे हमेशा देखता है? नहीं देखता? हाँ देखता हूँ। कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो आज हमें यस बताएगा पतंग उड़ाना, और वीर इसमें माहिर है। वीर पतंग उड़ानी कितनी अच्छी लगती है तुझे? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा ली हमने पतंग उड़ा दी है, और यस की पतंग बोरी देखो आसमान में कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और पतंग को देखने में भी अच्छा लग रहा है। पतंग बहुत छोटी दिखेगी आपको, इसलिए वो इतनी ऊंचाई में है। हाँ तो भाई यस पतंग उड़ा के तो बता, पतंग तो उड़ा यस। ये इसको मत दो, ये पूरी उड़ाता है। देखो हैं तू ही उड़ाता बस, अच्छी देखना। हाँ देख कितनी तो बढ़िया उड़ा रहा है, शाबाश शाबाश। देख चैंपियन है वो पतंग, चैंपियन है। ढील तो छोड़ नहीं तो ना रेंद। हाँ हाँ बस बस, ओ बेहतरीन। ले ओ भाई आराम आराम से, आवाज आराम आराम से। देख तो हमारे वीर को जेलिस फील हो रही है। नो, मुझे आती है। इसे कोई पतंग उड़ाने के लिए नहीं दे रहा। चलो भाई तू भी उड़ा ले, चल छोड़ी इसे भी दे दे भाई, इसे भी दे दे यार। देखियो कितना अच्छा भाई है तेरा। अब ये देख, ओ बेहतरीन, अब ये भी एक्टिंग करने लग गया। भाई देखो व्यू कितना धांसू आया, जैसे मैंने क्लिक किया एकदम धांसू, एकदम कितना अच्छा भी लग रहा है। बैठ जा दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी बड़ी पतंग है। बस तो फाइनली हमारे ये हमारा तीसरा बॉक्स है, तो पतंग नीचे गिर चुकी है। अबे वो बच्चों ने ले लिया देखो। जैसे कि वीर ने भी बताया कि हमारी जो पतंग थी वो गिर गई थी, तो नीचे बच्चे पार्क में ना तो पत्थर मार रहे थे, मतलब लूटने की कोशिश कर रहे थे, तार पे अटक गई थी। तो अब तो ईशांत ने वो खींच ली, जैसे उन्होंने मारा पत्थर तो कुछ उनकी सपोर्ट हुई और कुछ हमने खींच ली, तो अपने आ गई पतंग। तो पतंग तो नीचे गिर गई क्योंकि भाई हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी एकदम, देखो कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। क्या? हाँ हाँ भाई यस, तेरी पतंग तो भाई बेकार है, गिर गई नीचे अपने आप ही। देखो ये होता है देसी जीना, ये आ गया हमारे पास है रेडीमेड। सो दोबारा उड़ाने की कोशिश करते हैं। ये इसका चरखा टूट गया था, ये रहा इसका चरखा, ये टूट गया था, तो हम इसके लिए नया लेकर आए। एक तो ये लेकर आए नया, और ये इनका पुराना ही रखा था, तो इसमें हम पालक पनीर पालक दाल मंडल बाद मंडल बाद बाद। क्या बोल रहा है पीछे देख, गिरनी मत दियो, और इधर रह करो पागल, तुम ऊपर तो चढ़ जाते हो। तो भाई इन दोनों का चरखा था जो अब हमने इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। सो पतंग तो उतर गई है, हवा ना चलने के कारण यस की पतंग नीचे गिर गई थी, पर हमने वो बचा ली है जल्दी जल्दी खींच खींच के। तो अभी तो ये काम चल रहा है, इसके बाद मिलते हैं। सुबह का वक्त लग रहा है इसमें, सुबह का वक्त लग रहा है। अब देख मौसम, अब देख अब लग रहा है थोड़ा बहुत, अब लग रहा है थोड़ा बहुत। सो चलते हैं अभी नीचे की तरफ, देखते हैं। जैसा कि देख ही रहो रात हो गई है, तो पतंग उड़ानी भी बंद कर दी है, और बस ये चटाई रह गई है, चटाई तो दिखाई नहीं दे रही, रुक जाओ। सो ये चटाई है, इसको फोल्ड करके नीचे ले जानी है, और काम ख़त्म हो जाएगा भैया। अब चलते हैं नीचे, चलते हैं। यस वीर दोनों पढ़ रहे बैठ के, वीर ये रहा और यस ये रहा। हाँ भाई क्या हुआ? अब नहीं बोलेगा कुछ भी? अरे काम कर रहा हूँ मैं अपना। अरे काम कर रहा हूँ, ध्यान मत भटकाओ। अच्छा जी, ले मैं तेरा दिमाग भटका देता हूँ। सो बाय दोनों को।
ऊपर से आने के बाद मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी हो रही है, मतलब ऊपर क्या बाहर भी बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रही है, तो पसीनों में तरम तर हो गई थी वो, तो मैंने इसलिए दूसरी टी शर्ट डाल ली है। और नीचे से बाबा बुला रहे हैं, अब मुझे जाना पड़ेगा नीचे क्योंकि आज है मंगलवार और बूंदी के टाइम बूंदी में ही से निकलूँगा। सो चलते हैं नीचे। क्या हो गया इसमें? फाइनली दुकान का काम भी ख़त्म हो गया है। बाबा इस टाइम शायद खाना खा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा। पप्पू भैया काम समेट रहे हैं, मतलब कि घी कनस्तर में डाल रहे हैं। सो भयंकर हो रही है, पसीना एकदम तरम तर कर रहा है। सो मैं अब चलता हूँ देव के पास क्योंकि देव को चोट लगी है उसके सिर में, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि बताऊँगा नहीं, पर्सनल प्रॉब्लम हो गई है उसे, उसके सिर में प्लस पैर में चोट लगी है भयंकर वाली, तो उससे देव से मिलने जाना पड़ेगा उसकी दुकान पर, तो दुकान पर बैठा रहता है वो अक्सर, तो चलते हैं उसके लिए। तो भाई अरे ये तो देव का भैया बैठा है, इस देव भाई से मिलने आए थे पर देव भाई तो मिले नहीं, दीपक मिल गया है। तो दीपक हाँ क्या बोलना चाह रहे हो दीपक? कुछ नहीं बोला भाई, हेलो दोस्तों बोले के देख बस ख़त्म, हेलो दोस्तों। सो गाइस देव से मिलने के लिए मुझे लगता है उसके घर जाना पड़ेगा, पर मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ वो डिसाइड करता हूँ, अभी दुकान बंद कर रहा है अभी दीपक क्योंकि रात हो गई ज़्यादा। सो दीपक बंद कर चलता हूँ मैं अभी, टाइम हो रहा है 9:30, तो मैंने सोचा कि अभी उसके घर जाना बेकार है, मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर पाऊँगा उससे। सो अभी चलते खाना खाने, और आपको मेरी वॉइस में थोड़ा एक्टिव पना नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं भी यार थोड़ा बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सो चलते हैं अभी खाना खाने, देखते क्या बन रहा है, वॉइस आ रही होगी टी वी की, अब चलते ऊपर। क्या हो गया इसमें? पूरा जल गया है तो बिल्कुल, वीडियो बनाने लगे होगी, वीडियो नहीं बन रही। ओ बेटे ये गर्मी के कारण हो रहा है ना, यू प्लास भी तो लोहे को ही रहवे या मैं करंट की ना, तो हम प्लास्टिक ना ऊपर की तरफ। ओ बेटे आराम से आराम से पीछे छोड़ दो जाओ, एसी वैसी बंद करिए उधर से जाके, एसी बंद हो गई लाइट चली गई जब इधर एडजस्ट बंद हो। बाबा इधर आ रहे मैंने ये कौन कह रहा हूँ, सुनो सुनो चेक कर रहे हो करंट ना, अरे तीनों मिला ले और रुक जाओ एक और प्लस नॉइस अंत तुझे कॉकरोच देख रहा हो क्या वो आप हंसी आ रही है जो कह रहा मुखिया, हंसी आ रही है तो सू सू कर रहा है, सुबह इलेक्ट्रीशियन ने बुला लेना वही कर दे, रात को कहीं लौटने को मिल जाएगा तुम्हें, फिर लौट लेंगे कोई बात ना बाहर बिना एसी के। हाँ भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, पापा ही पूरे हो रहे हैं, सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये चल रही है अभी खतरों के खिलाड़ी में सिलेक्ट कर दूंगा तुम्हें, रिसेंट खुद बुलाया है करंट से खेलने का शौक है और बाकी तो करंट के वो आवाज स्टंट बात दे गई ना पापा, वो है तो खिलाड़ी है। एक और चाहिए लास्ट लास्ट, ये एक काम करो बोलो, हां जुगाड़ वाला बना, जुगाड़ वाला ना, और 2 मिनट के लिए रेगुलेटर के लिए वाकई मेन वाले वाके, हाँ मेन वाले बड़े वाले, चलो गिर के आता हूँ भी। जैसे ही मैं ऊपर आया खाना खाने के लिए तो मैंने देखा कि लाइट ट्रिप कर गई है, तो मैंने चाचा को इन्फॉर्म किया, तो चाचा ने देखा कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो गया था वो इस कारण क्योंकि हमारी जो एक लाइन है ना उसी पर दो दो एसी वर्क करते हैं, तो दो एसी चलने के कारण वहाँ पर हीटिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा हो गई और प्लस गर्मी तो देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा हो रही है,
तो चाचा ने उसे ठीक करा और ठीक करते समय दो बार उनको करंट लग गया। क्योंकि उनको लाइट का काम करने आता है तो हल्का हल्का हाथ टच हो जाता है, वहाँ पर करंट लग जाता है। लेकिन आप बिल्कुल भी मत कीजिए, अपना कोई नियर बाय कहीं पर इलेक्ट्रिशियन हो उसको बुलाइए और अपना वर्क करवाइए। कभी भी आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है और अगर आपको भी आता है करना इलेक्ट्रिक का काम तो आप कर सकते हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। सो गाइस मेरा तो ये मानना है कि यार इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और क्यों रिस्क में ले रहे हो, सो उसी को हैंड ओवर कर दो, भाई तुम ही करो ये काम और फिनिश करके दो। तो चाचा को तो ये काम आता था, उन्होंने कर दिया जल्दी से और मैंने डिनर भी कर लिया। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।